इतनी क्लोज रहेगी बस, टो करके अपने को आगे निकाल दे क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा स्टीप। फिर हमारी मस्टैंग, नो क्लिक बेट। गाड़ी निकालने के चक्कर में क्या होगा, पैरों का हाल, और गाड़ी फिर भी नहीं निकली अभी तक। सो बिफोर यू गाइस स्टार्ट दिस वीडियो, मैंने एक थॉट ऑफ द व्लॉग डालने का सोचा है। मेरे को किसी के एक व्लॉग से आया था आईडिया, मैंने उनका देखा, उन्होंने थॉट ऑफ द व्लॉग डाला हुआ था। सो मेरे को पता नहीं कौन थे तो मैं उनको मेंशन या क्रेडिट नहीं दे सकता, बताना कैसा लगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हमारी भी शुरुआत बिल्कुल इंडियन हाउसहोल्ड जैसी हुई है, जैसे सुबह पापा के गरारों से सब उठते हैं, मे बी सब मेरी ऐसे गरारों से उठेंगे आज, क्योंकि गला खराब है, ठंड है, सो गरारे करने जरूरी है। सोशल मैसेज स्टार्ट में आ गया आज, वाह चलो चलते हैं, आज हम जा रहे हैं स्किप डोडैश करने, कमाई करेंगे बर्फ में, सो लेट्स गो। तो अभी प्लान था सरी टू वैंकूवर जाने का ऑर्डर के लिए, बट ऑर्डर ही सरी में आ गया, पहले वो डिलीवर करेंगे। और इतना मोटा रेडी हो रहा है कि मोटा भी जा रहा है साथ, सो लेट्स गो। मोटे All my friends are toxic, all ambitionless. आज हम पेड़ को स्पैंक करेंगे। नोटी मनफे मनफे करते हैं। आजो क्लिप मत करिए। बर्फीले शूज, स्नो में बर्फ, बर्फ में शूज, बर्फीले शूज। तो अभी हम पहला ऑर्डर उठा रहे आए थे और इस मोटे की लेट करने की वजह से हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया। अभी इसको जाकर बताता हूँ मैं। मोटे ऑर्डर कैंसिल हो गया और करा दिया लेट, चलते हैं हम वैंकूवर। पर ये हर टाइम ही लगता, थोड़े टाइम का ही है, बाद में तो हरियाली चाहिए। और अकाउंट में भी तो भाई ये एक रेस्टोरेंट है जिसके अंदर तुम अपना खाना खुद कुक कर सकते हो। ये तुम्हें एक मतलब एक ऐसे पैन सा दे देते हैं और सब्जियां दे देते हैं, तुम अपना खाना बनाओ। मतलब ये काम भी हम ही करें है, इस चीज के लिए बंदा रेस्टोरेंट की जा रहे तो घर पे ही कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट नाम है इसका, सो इनका एक कंसेप्ट है ये। ये देखो ऐसे काम करता है, ये बस कोड होता है, यहाँ पे बजर कोड दिया होता है, इस नंबर पे कॉल करना है एंड वो अपने को उस मतलब अपने को अंदर आने के लिए परमिशन देंगे, तो ये डोर खुलेगा, देखा एक्सेस कराएंगे। तभी अपने कर दिया ड्रॉप ऑफ सामान एंड वो दोबारा एलिवेटर में चलेंगे नीचे। 19th फ्लोर पे आए थे, चल रहे हैं वापस नीचे। ये वीडियो बस मेरी डेली ब्लॉगिंग टाइप है, तो मैं बताने वाला हूँ कि आज मैं क्या करूँ पूरा दिन। तो इसमें ये सब पार्ट्स हैं, ये प्रॉपर सिर्फ डिलीवरी से रिलेटेड वीडियोस नहीं है, थोड़ा टाइम पास करते रहेंगे, मैं और मोटा भी हैं तो मैं अकेले भी हूँ, वैसे टाइम पास चलता रहेगा, फन एक्टिविटीज करते रहेंगे फुल। तो हम जा रहे हैं नीचे, दो कंबाइंड ऑर्डर करने के बाद अपना टोटल हो गया $19, ₹1200। अब देखते हैं कितना घंटा हुआ, अपने को एक ही ऑर्डर करा अभी तो, मतलब एक रेस्टोरेंट से दो डिलीवरीज थी, अब देखते हैं कितने ऑर्डर करते हैं क्या बनता है, लेट्स गो। ये देखो भाई कनाडा में हवा इससे भरी जाती है, इसका टाइमर होता है और पे करके भरी जाती है एंड इसका $1.50, ये देखो बंद हो गया, $1.50 लगता है, मतलब 100-120 रुपये। और इंडिया में फ्री में भर देते हैं हवा वाले, और यहाँ पे इसका टाइमर लग के मिलता है कि तुम्हें $1.50 में 100 या 200 सेकेंड्स मिलेंगे, भर लो चारों टायर, ये दोबारा दोबारा भरो, महंगा बहुत है कनाडा। ₹300 के ब्लू लाइट्स भाई, चप्पल में ना घूम बीमार हो जाएगा। आंटी इसको बोलो मैसेज करके, आंटी इसको बोलो फोन करके कोशिश करनी भी बंद कर दे, आंटी इसको बोलो कोशिश करनी भी बंद कर दे अब भाई गाड़ी देख भाई कैसे स्लिप हो रही है भाई, ऐसे जा रही है भाई, ये निकाल ली कैसे इसको, नो क्लिक बेट, नो क्लिक बेट भाई, सही में स्लिप हो रही है। थोड़ी थोड़ी देर बाद ना इस घोड़े को स्पैंक करना पड़ता है, वरना ऐसे नोटी हो जाता है, इसको स्पैंक करते रहो ना तो फिर ऐसे ये बर्फ जमती नहीं है ज्यादा देर। मोटे भाई शादी करा ले यार, कब तक खुश रहेगा।
ये यहाँ पे कनाडा में एक ना रेस्टोरेंट है जिसपे ब्रेकफास्ट मिलता है $2.95 का, मतलब कि कनाडा के हिसाब से $2.95 में जो भी कुछ भी मिले तो सबसे सस्ती चीज़ है वो। और मैंने कभी ट्राई नहीं किया बट मैंने सुना है यहाँ पे मिलता है, तो कभी आ सकते हैं अभी ट्राई करने। पर यार बड़ा अजीब सा ब्रेकफास्ट लगता है, मेरे को लगता नहीं टेस्टी होगा, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा के ना भटूरे छोले खा लेगा। भाई अपनी मस्टैंगों की लुक चेक करो, कितनी सिक लग रही है, एकदम ऐसा लग रहा है कहीं ले लद्दाख में ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। पर अभी हम डिलीवरी करने हैं, कमाई कर रहे हैं। बर्फ साफ करने वाला ट्रक चेक कर मटे, गाड़ी उठा के ले जाए अपनी, इतना बड़ा है। यहाँ पे फंस गई भाई गाड़ी, ये नहीं जा रही ऊपर यहाँ से, पूरा पूरा पूरी रेंज दे रखी है भाई, तो ब्रेक पीछे नहीं जा रही है। अपने को पिक्चर रहना प्ले करना पड़ेगा और स्नो मोड मोड करना पड़ेगा दोबारा, यहाँ पर पत्थर डाल देंगे। नेवर तो नहीं है पर है फोड़ी, एक तेरे थले भी फोड़या एक मेरे थले भी मस्टैंग होया, बस फर्क है ना है खेता विच के मेरी फोड़ स्टक इन स्नो है। भाई गाड़ी कैसे घूमगी, अरे भाई देखियो पूरी टेढ़ी हो गई भाई गाड़ी, रोड ब्लॉक कर दिया अपने। स्लिप करने का भी मजा आता है ऐसे बर्फ है ना, ऐसे ऐसे जब जाती है गाड़ी, अब आप ऐसे ही लगा के जाते हैं गाड़ी, मैं डिलीवर कराता हूँ ऑर्डर। तो गाड़ी कुछ स्लिप हो के ऐसी लग पाई है, ये देखो लग तो बहुत सेक्सी रही है अपनी मस्टैंग, कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस हिसाब से खड़ी है वो अच्छा नहीं लग रहा, मतलब लग तो सेक्सी ही रही है दिखने में भी, पर ऐसी खड़ी नॉट गुड। इसको थंबनेल के लिए भी यूज़ कर लेंगे आप। तो ये थी वो चढ़ाई जो अपनी मस्टैंगों से हो नहीं पाई पीछे, और जो भाई ऑर्डर था ऑर्डर के लिए बाहर ही आ गया था। तो भाई ऐसे ही होना चाहिए, बंदा ट्रैक करता रहता है, किसी किसी को ध्यान ही नहीं रहता, हमारे को तो सांस नहीं आते जब तक हमारा ऑर्डर ना आ जाए, एकदम उसी को देखते रहते हैं कि अब यहाँ आ गया, पहले मुड़ है राइट मुड़, भाई राइट मुड़ लेफ्ट मुड़, अपने दिमाग में उसको गूगल मैप बना रखा होता है, डायरेक्शन दे रहे होते हैं। ठंड में कितनी ज़्यादा सांस चढ़ जाती है, आँख मुँह सब लाल हो गया है, तो भाई स्ट्रगल। आ जाओ कनाडा तेरे एरिए चुप फिरे मस टैंगो को दी शहर तेरे को मां कर ला जो करना आला चक नाले तैनू फोन करता। एक इंच का फर्क रह गया भाई, रिवर्स का कोई अरे ओए ओए बैठ ना जाए, वहां जाना था और कहां निकल गई, देख 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 ऑप्शन ही नहीं है, पूरी घुमा दी इस तेरी मीटर मारते हैं देखते हैं भाई, देख 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 मैं यहां घुमा रहा हूं और कहां जा रही है बेटा, तेरे को परवाह नहीं है जान की, चिल कर रहा है अपना है यहाँ भाई की सांसें रुकी हुई हैं, भरोसा है ना तेरे को भाई ड्राइविंग अच्छी है मेरी, ये देख बैठ गई गाड़ी यहाँ से भी कोई जगह ही नहीं बची नहीं करने की गाड़ी भाई मिल गया थंबनेल, थंबनेल नहीं है भाई ये स्टार्ट वाली है। यहाँ रात गुजार सकते हैं, मतलब मैगी है तो मैं बाहर जाके देखता हूँ भाई, भाई फंस गया टायर यार, कहीं नहीं जा रहा, आगे नहीं जा रही गाड़ी, उन्होंने स्नो बेट सब लगा लिया, अभी कुछ नहीं फायदा हो रहा, बाहुबली पीछे धक्का मार रहा है, जैसे भी धक्का मार के गाड़ी निकाल देगा थोड़ी और बैक ले ले, फिर आगे भी नहीं जान जो के पीछे बैठ जाएगी, फिर फायदा नहीं है, पीछे मैं खड़ा हूं बैठने की नहीं, तू घुस जा फिर बीच में, तो तू दबेगा फिर कंटेंट अच्छा मिल जाएगा मेरे को, जा मर जाऊं, मरेगा थोड़ी सिर्फ दबेगा, सिर्फ दबेगा थोड़ा सा, चप्पल नहीं लगा सकता मैं बस, गर्दन लगा दे अपनी फिर नीचे, गर्दन क्यों लगा दूं तेरी, ये प्लास्टिक बोतल लगा देता हूं, पागल है भाई ये, मेरे को तेरी जान से ज्यादा प्यारी है और मैं फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, पीछे बैठ तो सही डिक्की में, हां बैठू मैं उस पे बैठ जा, बर्फ पे बर्फ हटा के बैठ, तू हटा दे ना ये ले, इससे हटा दे थोड़ी हटाइयो ठीक है, और उस पे बैठने जो की जगह जो उस पे बैठ दे जल्दी से, फिर फंस गए हम भाई यार, गलत जगह चढ़ गई गाड़ी और उसके बाद पीछे जाते हुए दिक्कत दे रही है, आगे तो जा नहीं रही, पीछे जाने की जगह पे वहाँ पे गाड़ी पे एकदम ऐसे चिपक गई है, तो कोई हमें टॉर्चर करके बाहर निकाल दे तो मजा आ जाएगा, बैठ गया यार, सिर्फ पीछे जा सकती है गाड़ी और पीछे जाने के लिए उस गाड़ी को हटना पड़ेगा और आगे जा नहीं रही गाड़ी, तो भाई चला के निकालने की तो सारी सफलताएं नाकाम हो गई हैं, अब बाहर जाके ही कुछ करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी बहुत तगड़ी फंसी हुई है अपनी, देखते हैं आज दिखाऊं, तो मैं बाहर आके यहाँ पे बैठ के गाड़ी का वेट बढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्या पता ऐसे निकल जाए, यस चल मोटे निकाल दे भाई,
काट लेफ्ट साइड काट। थोड़ी सी आगे तो जा रही है पर इससे आगे नहीं जा रही, फंस रही है गाड़ी में क्योंकि चढ़ाई है ना, दिक्कत है। अगर ये वाली गाड़ी, अगर ये गाड़ी हट जाए तो हम बैक जा सकते हैं पर दिक्कत है। बन रहा क्या कुछ है? नहीं बन रहा। रहेंगे जल्दी और रेस दियो। फिर बन गई हमारी मस्टैंग, नो क्लिक बेट। तो अभी एक अंकल मिले हैं, ये बढ़िया हेल्प कर रहे हैं, चाइनीज अंकल अपने वेरी गुड हेल्प कर रहे हैं भाई। इसमें बर्फ फुट इन साइड ब्लॉक, नो डाउट हियर, नो डाउट, नो दिस वन। तेरे पे बूट ट्राई करना मेरे को, दिस वन या अंकल करें ब्लैक आइस के ऊपर स्नो डालो, इससे काम हो जाएगा शायद, देखते हैं ट्राई करते हैं। थैंक यू। एंड यू पुट नो न्यू वन ओके आउटसाइड टू। आप कह रहे हैं अंकल ट्राई करें? नहीं जी, यहाँ पे इतना सिस्टम नहीं होता, कोई और गाड़ी में नहीं बैठता किसी भी। ओके, नो मोर स्लिपर, नो मोर स्लिपरी। चलो ये चीज़ और ट्राई करके देखते हैं, क्या पता वैसे निकलते, क्योंकि दिक्कत तो ब्लैक आइस की आ रही है क्योंकि टायर स्लिप मार रहे हैं वहाँ पे खड़े खड़े, क्या पता स्नो सॉल्ट का काम करे। अब नहीं मेरे को करने थे, फिर रुक जा। अब देखते हैं वो चाइनीज अंकल कुछ तो आविष्कार लेके आएगा, नूडल्स लाएंगे वो। अंकल चेन ले आए भाई हेल्प करने, थैंक यू सो मच अंकल जी। वाह बाबा जी थैंक यू। चेन ओके, लेट्स सी क्या बनता है। चेन्स लगानी है गाड़ी में। अब अंकल धक्का लगा रहे हैं हमारे साथ, थैंक यू अंकल सो मच। मैंने दबाए हुए भाई, पूरा एक्सेलरेटर आगे नहीं जा रही, मैं जान के बिठा रहा हूँ भाई, पीछे जा रही है गाड़ी, इट्स गोइंग बैक। चेन भी ट्राई कर ली भाई तो भी नहीं निकल रही, सॉल्ट या पानी रह गया आखिरी ऑप्शन, या फिर टोचन। दिस अ स्टोर? नो माय पेन स्टोर। ओह योर स्टोर? या आई कैन पुट हियर। ओह यू हैव अ टोइंग ट्रक? इतनी पास आ गई है गाड़ी, एक इंसान जितनी का, तो भाई इतना स्पेस रह गया गाड़ी के बीच में, और वहाँ से सरकती रखती यहाँ आगे गाड़ी, और वहाँ पार्क थी अपनी गाड़ी, और वहाँ से बैक करते करते सीधी इधर आई है। अगर ये रोड पे आ जाती तो बाहर नहीं निकलते, अगर ये ट्रक मूव हो जाता है तो हम पीछे पीछे जा सकते हैं, वरना और कोई तरीका नहीं है, या फिर कोई टो करके अपने को आगे निकाल दे, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है। ये देखो ऐसी चढ़ाई है, गलत हो गया काम ये तो। भाई एक टोइंग वाला खड़ा है, पर मेरे को लगता है पैसे ले लेगा, इतने तो कमाए नहीं जितना लग जाएगा। अब भाईचारे में पूछते हैं इससे, थोड़ा सा सिर्फ थोड़ा सा कद्दे आगे, क्या पता कद्दे भाईचारे में, लेट्स सी। आ जाओ देखते हैं यहाँ पे इंसानियत की कितनी वैल्यू है, या सिर्फ पैसे के पीछे भागती है दुनिया। भाई इसमें तो कोई है ही नहीं, चाबी देख आप ही चलते हैं लेके, यही चीज़ खड़ी है, यही चीज़ थी अपने को बस वहाँ पे। ये देखो यहाँ ट्रक खड़ा है और वहाँ गाड़ी खड़ी है, इतना सा दूर है अपने से, बस इतनी सी हल चाहिए अपने को, इससे मज़ा आ जाएगा मोटे। जैसे कहते हैं ना एक कहानी के दो पहलू होते हैं, वैसे एक ही दुकान के दो मालिक थे, और एक मालिक था बहुत तगड़ा अच्छा इंसान जिसने इतनी हेल्प करी ना चाहते हुए भी, और दूसरे के पास ट्रक है उसने ट्रक से हेल्प नहीं करी, मतलब एक मिनट का टो लगना था, थोड़े पैसे भी ले लेता मांगता तो सही, एटलीस्ट हेल्प ही कर देता ना तो भी काम हो जाता। भाई इंसानियत ख़त्म हो गई है दुनिया से, मतलब 50-50 रह गई है, कलयुग आ गया कलयुग। गाड़ी निकालने के चक्कर में क्या हो गया पैरों का, और गाड़ी फिर भी नहीं निकली अभी तक, तो आज रात यहीं निकालनी पड़ेगी भाई, कैंप खूम खोल ले अपना, चेहरे चूहरे निकाल ले और यहीं सो जाते हैं, घर जाने इतनी क्लोज रह गई है बस। अपनी तरफ से सारी मेहनत करके देख ली है, या अब आखिरी में टोइंग वाले आएंगे, या फिर अगर ये गाड़ी वाला हट जाना तो मज़ा आ जाएगा, तो अब CID वगैरह वाला काम करेंगे, देखते हैं जाके दरवाज़ा खड़काते हैं सबका, कोई निकला इस ट्रक का ओनर। भाई ये देख नाम लिखा हुआ है मैगपुल और श्योर फैरियर, सर्च करके देखते हैं यहाँ पे इसकी दुकान का नाम हो, यू नेवर नो, क्या पता कुछ तो होगा, नंबर भी देख लेते हैं अंदर जाके पूछते हैं।
प्लेन डोसा मसाला डोसा नहीं डोसा नहीं मसाला डोसा बटर मसाला डोसा आलू गोभी डोसा एग प्लांट डोसा लेके आउनी बखरिया मैं ता लहर नहीं हुंदियां सलामा सूरज नु चढ़दे चढ़दे नु वेखे इथे लोग सड़दे।